अस्सलाम वालेकुम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो में मैं एक एनिमे स्केच बना रही हूँ वैम्पायर का। तो सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन लगाएंगे उसका फेस बनाने के लिए। अब हम उसकी नेक बनाएंगे, फेस के साथ ही उसकी नेक को ज्वाइन करेंगे। अब हम उसकी नेक पे बैंडेजेस बना देंगे क्योंकि वो वैम्पायर है, तो इसीलिए। अब हम उसकी नेक के साथ ही उसके क्लॉथ्स भी बनाएंगे, जो वैम्पायर ने जिस तरह के पहने होते हैं वैसे उसके क्लॉथ्स भी हम बनाएंगे। और अब हम उसके फेस के साइड पे हेयर्स भी बनाएंगे। अब हम लाइन लगा देंगे उसके ईयर्स बनाने के लिए। मिड में नहीं, थोड़ा सा ऊपर करके हम लाइन लगाएंगे उसके ईयर्स बनाने के लिए। अब हम उसी लाइन पे उसके नोज बनाएंगे और उसके फेस पे भी हम बैंडेजेस बना देंगे। अब हम वैम्पायर की स्माइल बनाएंगे, जिस टाइप की उसकी स्माइल होती है वैसे हम उसकी स्माइल बनाएंगे और वैम्पायर वाला टीथ भी बना देंगे उसका। अब हम उसके नोज के साथ ही हेयर्स भी बनाएंगे उसके, लाइक एनिमे के जैसे हेयर्स होते हैं हम उस टाइप के हेयर्स बनाएंगे। थोड़े से हेयर्स बनाएंगे और साथ ही हम एक नोज के ऊपर ही लाइन लगाएंगे उसकी आइज बनाने के लिए। आइज बनाने के लिए पहले मैंने टू लाइंस लगाई थी दोनों साइड्स पे और उनको अब हम कनेक्ट कर देंगे आइज वाली शेप में। अब हम आइस के अंदर आइरिस बनाएंगे और इसके बाद हमारी जो आइज़ होंगी वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम हेयर्स बनाएंगे। हम आइस के अंदर अब हम वैम्पायर के आईबॉल्स भी बना देंगे। जो वैम्पायर्स के क्लॉथ है उसको हम अब कंप्लीट करेंगे। वैम्पायर बाकी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे उसके सिर्फ हेयर्स रह गए, तो अब हम हेयर्स बनाएंगे उसके। अगर आपने इसमें शेडिंग करनी है तो आप शेडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे शेडिंग इसमें अच्छी नहीं लगी तो इसलिए मैंने शेडिंग नहीं की। शेडिंग भी हम इसमें कर सकते हैं। आई होप यू आर लाइक दिस। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लाइक द वीडियोज, कमेंट एंड शेयर। वैम्पायर के फेस पे अब हम एक और बैंडेज बनाएंगे। अब हम उसकी आई के अंदर थोड़ी सी शेडिंग करेंगे और जो हमने लाइंस लगाई थी एक्स्ट्रा वाली उनको रिमूव कर देंगे और उसके आईब्रोज भी अब हम बनाएंगे। आईब्रोज कंप्लीट हो गए थे और ये इसकी फाइनल लुक है। हमारा वैम्पायर कंप्लीट हो गया है।